एरिना टेलिभिजन देखि रहल सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडीके नमस्कार गर्छौँ। तोर्सी नखनी देखि रहल छ एरिना टेलिभिजन विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसँग हाम्रो सिनके देशभर देखि रहल छ जन त ओइने गरिके हाम्रो सिनके लाइभ देखे लग्ना तोर्सिन www.erinatelevision.com.np लगन गरिके तोर्सिन संसारभर लाइभ प्रत्यक्ष रूपमे हाम्रो सिनके सम्पूर्ण कार्यक्रम देखे सक्छै। आज छ कि रवि दिन सुरु भए गेल तोरी सियानके मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दए रहल छौँ। हमें तोरी सियानके सङ्ग हमे नीरज खवास आर ओहिने करिके हमरा इतना खाना कैमरा दिशन साथ दए रहल छी विनयजी। विनयजीके बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछिन। तोरसिन देखते अल छै जन त तोरसिनके अवश्य भी थाह हेतु इटा कार्यक्रममे कुन कुन हेची कहिके भर्खरे आज मौका पेलै जन त देखे लग्ना तोरसिनके हमे सबैसँ पहिने इटा कार्यक्रमके जानकारी देवे चाहछिन। इटा कार्यक्रममे थारू समाजमे सङ्घर्ष करतै अल व्यक्तित्व सँगसँगैके बातचित आरो ओहिने करिके कहमने विभिन्न गाउँमे जाके एकटा विषय वस्तुमे रहिके हामी तोरेसियानके गाउँमे जाके हामी बातचित जोडि रहल छौँ। आरो ओहिने करिके मनोरञ्जनके साथमे हम तोरेसियानके बनिया बनिया गीत सङ्गीत सुनाएके भी हामी एउटा कार्यक्रम मार्फत मनोरञ्जन करतै अलुस। आज हामी कहमनी तोरसिन पाछुमा अर ब्यानर देख्ते हवै जेकि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कहिके जेकि आज अवश्य भी हामी एल छौँ। आज नेताचोक स्थित एकटा कमनी एउटा पब्लिक उच्च माविके प्राङ्गणमे आज हामी उपस्थित छौँ। आज एथेनकरा एकटा कमनी एकटा आफ्नो सिके एउटा समाज थारू समाज कमनी जेकि आयोजक टिम करल छ एउटा थारूके आवाज आरो ओहिने गरिके सहयोगीमे छ थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर आरो ओहिने गरिके वही मुभमेन्ट टिम काठमाडौँके टिम आज एतेकरा कमनी मिलिके आज एथेनकर बासिन्दा के निःशुल्क शिविर दए रहल छी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर दए रहल छी। यहाँके बारेमे आज हम जानकारी देबू एउटा कार्यक्रम एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किनेके अलि किनेके यहाँ स्थानमे राखेके प्रयास गरल कि हामी यहाँ आयोजक टिमसँगे आरो ओहिने गरिके थारूके आवाजके अध्यक्ष सँगसँगे आरो ओहिने गरिके थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगरके अध्यक्ष आयोज सबैकोसँगै हामी यहाँ कार्यक्रमके बारेमा हामी बातचित गर्बु। सबैसँ पहिला कार्यक्रममाके हामी आगू बढाबे चाहन्छौँ। एउटा प्राङ्गणमे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरके एउटा छुम्मा फुटेस छ। एउटा छुम्मा फुटेजके बाद फेन्से स्वागत गरे चाहन्छौँ। तोरेसियानके मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाजमे तोरसिन देखे पाबै एउटा कमनी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आबि रहल छ। यहाँके आयोजक टिम आर यहाँके सहयोगी सँगसँगै हामी आज बातचित जोडे चाहन्छौँ। एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किनकि यति राखेके प्रयास गरल कि आफन सिके एउटा थारूके आवाज एउटा टिम र आफन सिके एउटा थारू समाजके लागि कुन किसिमसे देखिरहल छ
यहाँ के बारे में हमें बातचीत करबू जेकि हमारे संगे अखने थारू के आवाज के अध्यक्ष संगीता चौधरी हमारे संगे जोड़ल छी हमें ओकरा स्वागत करे चाहिन। हेलो नमस्कार संगीता जी। नमस्ते। किनेंग छै किनेंग हाबी रहल छी इटा स्वास्थ्य शिविर अखने इटा स्वास्थ्य शिविर शुरू हेल छी बिरामीरा के जाँच से हाबी रहल छी यहाँ बगन से अखने ना सहयोगी मित्र सब सहयोग भी कर रहल छी डॉक्टर सब चेक जा कर रहल छी अने अखन तक में बढ़िया से हाबी रहल छी प्रोग्राम रा जे कि ग्रीन क्रॉस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के एकटा डॉक्टर ओकर अहमद वरिष्ठ फिजिशियन इटा डॉक्टर के लागि एते एल छै स्वास्थ्य शिविर के लागि किन कतना के भीड़ भाड़ छू कतना के चेकअप के लागि एल छी बिरामी सन अखने न बहुते जना के उपस्थित छै लगभग 218 जना पुगि गेल छै आर समय में आर भी उपस्थित हेती कहि के लाग छै इटा थारू के आवाज कमनी आयोजक टीम यहाँ ठीन यहाँ इटा पब्लिक उच्च माध्यमिक ग्राउंड काम चुन लगेली इटा नेता चौक बीसे एरिया में पड़ी ग्राम थान गाँव पालिका के बीसे एरिया में पड़ी इतना नेता चौक में बहुत ठाव से आदमी सब भेला है वह कारण से हम पब्लिक स्कूल चुनी ताकि सब के असल के सुविधा होस कह के चौथरपी गाँव के आदमी आबी के सुविधा के साथ चेक जाँच करा के जाओस कह के आर इतना इटा पब्लिक स्कूल के प्रांगण एकदम बड़ी छी आर बहुत सुविधा देख लगे इतना गाछ वृक्ष हो काम की बिरामी हन की शांत ठाव आर शीतल ठाव चाहिए कह के हमसे इटा ठाव रोज ल छिन जेकि इटा थारू के आवाज इटा स्वास्थ्य शिविर बाहेक आर कुन कुन करे के उद्देश्य राखल छी हमर सेन के बहुते उद्देश्य राखल छी विगत दिन में हमर सेन थारू के आवाज तरफ बट बाढ़ी पीड़ित के राहत साथ ही आग लगी के राहत आर साफ दर हार लना के भी राहत दे दे एल छिन आउत दिन में आर भी हमर सेन के बहुते उद्देश्य छी थारू पिछड़ल सब थारू सब के एजुकेशन तरफ हमर सेन जोर दे रहल छिन कतने देख छिन अपन सब समाज में धन हावी के मन नहीं सी मन हाई धन नहीं है सी कसी नहीं ओहन देखल छिन हमर सेन आ बहुते जन पिछड़ल छी बेरोजगार हावी के एजुकेशन बिना तो ओकर सेन के हमर से किने के आगु बढ़ल जीती कही के हमर से एकटा योजना करल छिन ताकि ओकर सेन पिछड़लन थारू सब बढ़िया एजुकेशन पावी के सही रोजगार हावी के अपन सिप मूलक तालीम सब दे के ओकर सेन के आगु बढ़ाल हमर से उत्साहित करबी कही के एटा थारू के आवाज एटा कमनी अपन से के एटा थारू समाज के लागि कुन किसिम से देखि रहल छ थारू समाज कहा तो एजुकेटेड तो एजुकेटेड हो सी कतना जना ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं हावी के भी पाछू पड़ल सी कतना जना ज्ञान बुद्धि विवेक हावी के भी कले में से बैठक सी ताकि हमर से युवा पुस्ताने के एकदम आगू बढ़े पड़ती कही के हमर सेन उटा सोच राखल छिन इटा कमनी थारू के आवाज अपन सी के अखने इटा समाज थारू समाज के लागि चेलीबेटी सम अने कमनी शिक्षा के लागि एकदम वंचित हेल छि इना इटा थारू के आवाज इटा में कुन पहल करि रहल छि आपस वह वंचित हेलन के सिप मूलक तालीम दे के जिन कि एजुकेशन तरफ हेलु लैंग्वेज हेलु उना में हमर से आगे बढ़ा सकबी आउद दिन में मेमोरी पावर जे उठा छी मेमोरी पावर बढ़ा के ओकर से के शिक्षा तरफ अगर बढ़ा लूंगा सिप मूलक तालीम सब दे के हमर से ओकर से के आगे बढ़ा कोशिश कर रहल छिन आज इटा स्वास्थ्य शिविर में वरिष्ठ फिजिशियन बाहेक आर कुन कुन के बिरामी सब के चेकअप हावी रहल छ एतना बिरामी सब के हार जोड़ने संबंधी अपन ब्लड प्रेशर रोग बिरामी जितना छू उनके मैंने सामान्य रोग बिरामी जर बुखार खोकी खासी उन्हें सब कुछ कर थायराइड के चेकअप आई रहा है आर जितना भी रोग ब्यास उन्हें सब हमारे से करे कोशिश कर रहा अंतिम में इटा कार्यक्रम के बारे में कौन कहे चाहे इटा कार्यक्रम एरिना टेलीविजन से पहन कर बेर प्रसारण आगे इटा के बारे में कौन कहे चाहे इटा हमें एरिना टेलीविजन के एकदम धन्यवाद देवे एकटा थारू भाषा में हावी प्रोग्राम छिके कतने प्रोग्राम अपन सबके थारू भाषा में नहीं हेल छी बहुते खुशी वाला बात छी एकदम गर्व वाला बात छी कि अपन सबके थारू भाषा के प्रोग्राम भी संचालन हावी रहल छी ताकि थारू होना सख्या इटा प्रोग्राम बटा सही असल मैसेज पुगोस ओकर सेन के बढ़िया होस के एकदम खुशी लागल छी इटा टेलीविजन के बारे में धन्यवाद देव चाहिन आबि रहल दशमी सुजात शुभकामना संदेश हमें शुभकामना संदेश तो कहीं अपन से आगे थारू जाति संपूर्ण थारू जाति सके जे जे हिंदू चाड़ पर्व मना रहा छी दशमी सुगरात ओकर सिन सब के हमें सुस्वास्थ्य लाभ के साथ ही शुभकामना देवे चाहिन ताकि ओकर सिन बढ़िया से इटा चाड़ पर्व मनावे सकोस
संगीता जी बातचीत करते लगन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ हमारे संगे हमने बातचीत करी रही थारू के आवाज के अध्यक्ष संगीता चौधरी ये बनिया बनिया कहनी इटा थारू के आवाज के बारे में बातचीत करी दल जे कि गेलर उटा कहनी बार रामे बहुत जना के सहयोग करी दल आज इटा पब्लिक उच्च मावी में स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आनी के बिरामी सबके कहनी इटा के करी तोर्सिन अखने देखी रही एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ अखन कर क्रम में हमें इटा कार्यक्रम में छुम्मा व्यापारिक विश्राम लेवे चाहे
कार्यक्रम के पैनकर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहछन तोरी सियान के मन पसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में हमें साथ दे रहा छुन तोरी सियान के संग हमें नीरज खवास आर ओइन करी के तोरसिन विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से देखी रहा छे हमर सिन के देश भर एरिना टेलीविजन आर ओइन करी के www.erinatelevision.com.np लगन करी के संसार भर एक साथ देखी रहा छे। आज ग्रीन क्रॉस हॉस्पिटल के डॉक्टर ओकार अहमद दाजु यते वरिष्ठ फिजिशियन कमनी पब्लिक उच्च मावी के प्रांगण में स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में रहल छी जेकि इना के आयोजक रहल छी थारू के आवाज आर ओइने करी के सहयोगी संस्था सम रहल छी थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर आर ओइने करी के वी मूवमेंट टीम काठमांडू के सहयोग में यते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हावी रहल छी जेकि हमें पहिना बात गपशप कर लियो हमें जेकि इटा थारू के आवाज के अध्यक्ष संगे आरो ओइने करी के हमें फेन से आरक जना संगे हमें बातचीत जोड़े चाह छी। थारू के आवाज के संस्थापक मनीता चौधरी संगे हमें फेन से बातचीत जोड़े चाह छी। मनीता जी स्वागत छु कार्यक्रम। धन्यवाद। किने छै असली छै न किने हावी रहल छी इटा स्वास्थ्य शिविर आज हमर जाके बिहाने से सौका लागी पड़ल छी नै शिविर में एकदम ना भीड़ भाड़ के भीड़ भाड़ साथ एकदम चली रहल छी। अखने तो हमर सके 200-300 बिरामी पुगी गेल छै अखन तक में कहबै त आर बिरामी के क्रम भी जारी छै अखन टिका के आबि रहल छै बिरामी सब बहुत मुश्किल आबि रहल छै हमर सके अखने ना अखने संभाले लगनी एते ना जे ओस बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीका से हमर सब कोनो के व्यवस्था करल छै तेना डॉक्टर से लेके औषधि तक के हमर सिंह निःशुल्क परामर्श निःशुल्क औषधि निःशुल्क जाँच सब कोनो के हमर से बढ़िया से व्यवस्था एते करी रहल छै जे ओस बढ़िया व्यवस्थित तरीका से आबि रहल छै। ये थारू के आवाज किने खलक संस्था छी कि इटा इटा कहे परली जन त हमर से एकटा सामाजिक संस्था छी कि ने जे कि हमर से एकटा स्वास्थ्य शिविर मात्र नै हावी के हमर से के थारू समाज में हेल कुरुति विकृति जे राखने दान दहेज प्रथा छी बाल विवाह सब छी थारू समय जतने भी नै बनिया सब विकृति सब हावी रहल छै उटा के हमर से निर्मूल करे लगनी इटा संस्था खास करी के इटा हमर से स्थापना करी रहल छै ने कि कालू के दिन में हमर से नै त हमर से के आउदो पीढ़ी त कम से कम कुछ सुविधा पाओ थारू के हक कित के लागी लड़े पर ककरो से आगे हमर जान वहा खातिर की चाहसिन की हमर से के आउदो पीढ़ी ताकि पछाड़ी कष्ट करे नै पर अपने जे हालत में हमर से गुजरी रहल छै इने हालत से पछा हमर से के युवा पीढ़ी सब आ आउदो पीढ़ी सब भोगे नै पर की तरीका से वहा से हमर से अखने ना इटा एकटा अभियान चला रहल छिन कि थारू सब के भी कुछ करे पड़ती अगाड़ी बढ़े पड़ल हमर से आके सदैये थारू पाछू हटल से नहीं हेती अपन से ठाव में अखने ना थारू ना नहीं तो कतौ भी जो अपन से आके थारू सब ठाव में पुगल नहीं देखबै देखबै तो बाहुन क्षेत्री हर एक ठाव में कतौ भी कोनो करता ए फलानो या थारू रहिस गोरू रहिस यो कही के अपन से हेप छी कि नहीं हेप छी आइटा हेपाइ राखे त थारू के आवाज तो कुछ करे सकते नहीं बहुत बहुत हमर सिंह यहाँ खातिर एक संस्था करी रहल छिन कि हमर से ठाव में भी पुगे सकम हमर से भी ठाव में आदमी हाओस हमर से भी ठाव में आवाज उठावे सकम वैसे तो थारू के आवाज कही के हमर से संस्था के नाम में रखल छिन कि ताकि संस्था रा नाम से हमर से चिन्होस कही के इतना प्रचार हाओस उ करो हमर से सब के सहयोग मिलती कही के बड़की आस भी करल छिन ने थारू के आवाज एक हमर से के हमर से आवाज मात्र नहीं क्या पूरा थारू होल यूनिट के हमर से पूरा जितने भी इटा सब विश्व में इटा नेपाल भरी में जितने भी छे थारू हमर छी सबटा थारू के आवाज एक ठमा समेटे खोजी रहल छी हम इटा थारू के आवाज रा इटा थारू समाज के लागी मात्रै देखि रहल छी कि आरो समाज के लागी देखि रहल नै नै इनिंग छे इटा हमर छी थारू के विशेष करके समेटे खोजी रहल छी ने तर हमर छी काम छै सुनसरी मोरम दुईटा जिला में कार्यक्षेत्र हमर छी करि रहल छी तर हमर छी यान के इनिंग छी अपन थारू के लागी मात्रै नै विशेष छै हमर छी थारू के लागी करि रहल छी ने तर अन्य समुदाय के भी हमर छी सेवा पुरिया रहल छी भर्खरे आग लागी पीड़ित में भी हमर सिया सहयोग करनी ओहने करी के बाढ़ी पीड़ित में भी हमर सिया के एक डेढ़ सारा घर में हमर से राहत वितरण भी करनी स्वास्थ्य शिविर भी करनी आज भी हमर सियान ओहने के स्वास्थ्य शिविर करी रहल छिन पब्लिक स्कूल में देखी रहल छै तोर सियान सबका कतने भीड़ भाड़ के साथ अखने चली रहल छै हमर सिया के जे हमर सी सौना समुदाय के समेटे खोजी रहल छिन इटा थारू के आवाज कहिया स्थापना हेली इटा हमर छिके जेठ एक गते दिसर स्थापना करने भकर हमर छिके अखने 5 महीना हावी रहल छै संस्था तर बहुत अगाड़ी बढ़ली इतना जल्दी बहुत खुशी लाग छै कि सबटा टीम हमें सबटा टीम के एकदम धन्यवाद देवे चाहते हमर थारू आवाज के जितने भी टीम छै सबका हमरा एकदम साथ देल के एकदम आगू बढ़े लगनी हौसला दे रहल छै विशेष करी के हमें उना विदेशी ना हस्ती के समझे चाहसिन ओकर से आके सहयोग नै रहल दिन तक शायद हमर से अपने अगाड़ी बढ़े नै सकथिन ओकर से जे हमर से के आर्थिक से लेके हर एक चीज के सहयोग करी रहल छै तर उना व्यक्ति के हमें नै बिरसावे सकली काम की ओकर से आके सहयोग से आज हमर से एते तक पुगल छिन त विदेशी ना व्यक्ति के भी हमर से समझे पड़ते खास करी के कहबै जन त विदेश में रहल प्रीतिचंद माझी थारू छी कि वे आरब हमें दुई जना मिली के हमर से संस्था स्थापना करने छलक जे हो हमर से
एक दिन सलाह करनी दुईजना मात्र जे थारू समय अपन सके कितने पछाड़ी पड़ल छिन् काम इनिंग तो थारू सभी तो अगड़ी बढ़ी सकबी नी थारू सभी तो कुछ कर सकबी काम हमारे ठाम नहीं पुगी सक छिन् पढ़ल लिखल छिन् हाथ में सर्टिफिकेट से सब कुछ छे तर काम हमारे काम नहीं भेट छी काम हमारे ठाम में पुगी नहीं सक छिन् बिहारा के विषय में केलते केलते हमारे सोचनी जब नहीं आ इनिंग नहीं हेतें जो एक संस्था तो अपन स्थापना करे पड़ते थारू के लिए अपन से आवाज उठावे पड़ते सौना थारू एक ठाम आवे पड़े कही के हमारे सलाह करी के तब हमारे अखने ऑनलाइन मार्फत हमारे के मीटिंग है ऑनलाइन मार्फत सब कुछ काम हमारे अखने आ रहा है फील्ड में चाहे नेपाल के मेम्बर जितने भी छे सौ काखने हमारे फील्ड में खटी रहा छे फील्ड में खटी के अखने देखे कर सो सियान खटी रहा सौना मेम्बर के ब्याज लगल छू सौ का ड्रेस लगा के अखने कितने ऊ शांतपूर्वक से खटी रहा है कार्यक्रम भी सफल आ रहा है इटा थारू के आवाज जे की स्थापना हाबी के पाँच छः महीना हाबी रहा छे एक संस्थापक रूप से किन महसूस करी रहा छे अखने हमें बहुत गर्व महसूस कर थारू ना भी जे हो आओ बहुत चेतनशील भै गल पहल करना थारू बगन नहीं छे कि कसी ने हमार गोर के 12% उ तरीका अखने नहीं हेल अखने ना थारू ना जे हो बहुते अगाड़ी बढ़ी गल एकदम ना कते जाए पड़ती कते जाके बोले पड़ती कते कौन करे पड़ती हर एक चीज हमार से जेकि हम कार्यक्रम संचालन करते करते विभिन्न गाँव में हम पुगली जेकि पाछू में बोले लगनी एकदम कमी बोले जेकि कैमरा देखिए माइक देखिए एकदम बोले लगनी लाज मानी एकदम कैमरा देखिए भागसी काम इना के कमी इना के ऊ करे लगनी कुन करे लखा कुन करते कर लखा लाग छु तोरा एकदम सही क्वेश्चन कर लाई अपन से के थारू समुदाय में खास करी करे अखनो ठिका केटा प्रवृत्ति छेबे करे अगाड़ी जाके परिचय देवे लगे त हे हमरा लाज लाग छ नै करबो कहि के अखनो ठिका के बोल छी मेंबर ना हमरे सियान के मेंबर बोलम ने आरो टकु ने थारू ना ने पहिला से यहाँ टाइप के छे अखने अखने जे हो अखने ना बहुत सुधार में आबि रहल छे हमर सियान इना संबंधी में जे हो कुन के छे सिप मूलक तालीम से हमर सि दिलावे कोशिश करी रहल छिन कि बोले के बोले शैली हमर सिया जे कि अखने ना अगाड़ी जे हो थारू सब भी बोलोस कही के हमारे रेडियो तालीम भी या उद्घोषण तालीम हमारे करबी कही के सोची रहा छे या जल्दी भी करबी हमारे सियान जे हो अखने थारू ना अगड़िया एकदम आवे के बोले लगनी भी लज से अपन परिचय भी देवे नहीं साकी रहा छे उटा के लगे हमारे या जल्दी ही थारू के आवाज टीम से हमारे थारू के लगे उद्घोषण तालीम हमारे जल्दी से करबी कही के उटा भी आज देसुन थारू ना कि अगर कोई भी इच्छुक हेबे तो हमारे के टीम में आवे सकते तोर सियान हमारे से संपर्क कर सकते तोर सियान कि अखने कमनी प्राय एफ एम में अखने एकटा ने एकटा थारू कार्यक्रम छेबे करे जेकि टेलीविजन में पूर्वांचल से भर्खरे एकटा कार्यक्रम शुरुआत हेल अच्छी इना पूर्वांचल से प्रत्येक रा एफ एम टेलीविजन में कहिया से इना थारू कार्यक्रम संचालन हेती कुन लाग छु तोरा इना तो बहुत जल्दी से करके दिन आ रसल हेले हदिन ने थारू के आवाज कुन करे सकती इटा के लागि इटा के लागि तो हमर सिया जे करे पड़ती बरू करबी ने कते जाय पड़ती कते कुन करे पड़ती हमर सिया से पूरा सहयोग करू हमर सिया जितना सहयोग करे सको हमर सिया के जोश इन्फॉर्म करिया ने अगर कतो कुनु हेतो तो हमर सिया सदैय साथ देवे लगनी तैयार छन हमर सिया अंतिम में इटा थारू के आवाज के बारे में टेलीविजन देखि रहल दर्शक बिन सम के आर ओने करके इटा कार्यक्रम के हमर समाज के बारे में कुन कहे चाहे सबसे पहला तो हमें संचालक सर तोर तोरा बहुत बहुत धन्यवाद दे छुन काम कि हमारा इटा एलिना टेलीविजन में बोले के मौका दिले बहुत खुशी लागि रहल छै बहुत गर्व भी महसूस कर रहल छै अपने आप के हमें दर्शक सब से हमें कुन कहे चाहन कि कालू के दिन में अपन से के थारू सब भी बहुत पिछड़ल छै अखने ना बहुत पछाड़ी पड़ल छै कालू के दिन में अपनो से भी अगाड़ी बढ़े पड़ती ठाँव ठाँव में अपनो सियान के मानुस आवे पड़ली अपनो सिन पुगे सके पड़ली तो उटा के लगे अपनी सब थारू के आवाज उठावे पड़लू थारू के आवाज के टीम में अगर तोर से कोई भी इच्छुक छै जन तो हमर सी के टीम में आवे सक छै के हमर सी संगे हाथी मालो करी के अगाड़ी बढ़े सक छै इतना कही के अपन दुई शब्द हमें बातचीत कर दिले इटा लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छुन अखने हमर संगे बातचीत जोड़ी रहल छली थारू के आवाज के संस्थापक मनीता चौधरी जी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छुन ये अपन थारू के आवाज के बारे में कते कते सहयोग करल की आगामी उद्देश्य इटा थारू के आवाज के कुन करे छी यहाँ ना बातचीत राखी दल की ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छिन प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक आर ओने करी के पूर्ण प्रसारण तोर छिन सोम दिना 3 बजे से 4 बजे तक दिन देखे सक छै अखनकर क्रम में फेन से हमें एकजना कमनी बिरामी संगे हमें बातचीत जोड़े चाहे छुन हमें ओकरे संगे बातचीत जोड़े चाहे छुन हेलो नमस्कार नमस्कार तोर शुभ नाम हमर नाम छै के चैतू चौधरी कते वासस्थान कते वासस्था स्थान हमर सिगर अखने त नया पड़ल छे ए कोन ग्राम थान वार नंबर 6 कुन कुन बिरामी आबि गे ते आज निशुल्क स्वास्थ्य मिले
हमें यानी से खातिर से मतलब हार जोड़नी के लागी दुखे छी, बहुत दिन से दुखे छी, मतलब ये थे यानी जांच पूछ करें ना, जो जांच पूछ करी देती आओ डॉक्टर साहब तो कॉल कीजिए बढ़िया छे जांच पूछ करें ना ये है तो ठीक छी। हम सब भोर हमें तोर लागी हमें प्रयास करवी इलाज करवी ताकि हमें कोनो चिंता मत मान दया रहने तोर से और सेवा तो कने तो लेता आओ ठीक छी। अब तो सेवा देने जनता हो उठा के लागी तो तोरा सो सेवा देवे तो ठीक है बात छी धन्यवाद छी की। हाँ तो आओ दवाई सब के प्रयोग करवी तो आओ दवाई सब में आओ प्रयोग करी के आओ किरण कहाँ हेती तो निक बेजा हेती तो तकर बाद में फिर डॉक्टर साहब से भेंट करे पड़े। जे कि कितना दिन से दुखा बोगी ना हार टैंग हार जोड़नी उरंग तो आओ तीन चार बरस से हवी रहलिस जे तीन चार वर्ष में मैंने दवाई सवाई कर खेसी नु कर सिंह कहीं दौ छी उ फिर वहने कुछ कुछ दुखाए लग से तो दुखल के बाद में है बस आओ ये कर हमारा सके शिविर में ये लिए थे वो बोल लीजिए दौड़ आओ ये निःशुल्क शिविर छी ये भी तो सर सुविधा है पेबे करवी है बस ये नहीं ये कर दिल की डॉक्टर साहब बढ़िया मतलब दवाई सवाई लिखी क्या के आ डॉक्टर साहब कल ठीक छी नहीं तो रंग हेतु तो एक बेर हमर ये हॉस्पिटल में आबी है। देखिए पहिना तीन चार साल से इना समस्या छी कलई पहिना चेकअप कर लाय कि नहीं कर लाय। हाँ चेकअप क्या ठीमा करने आर आर गोल्डन शोल्डन में करने कोसी में करने वो करने तो इन्हें दवाई खेन दवे आउ काल के जे जे यो रोग तपाईं को वृद्ध रोग हो यो वृद्ध रोग को लागि अब यस्तै हुन्छ रोकथाम हुन्छ घडी दुखाउँछ कति के हुन्छ त हामी त वृद्धै वृद्धै भयो नि त अब त्यतिको लागि अब के भन्नु त होइन अखने जे कि अखने इटा जे कि पहिना चेकअप कराबे खाना वृद्धा हाबी के इना दुख छु इना समस्या छु कहीं कल को अखने जे कि अखने निःशुल्क में एलै कुन कल को इटा ठीक हेते कि नहीं हेते लग। हाँ उन्हें तो कहल कि जे उजे ठीक हेते जरूर हेते अच्छा ठीक यदि नहीं हेते तो त्या हमर क्लिनिक में या मर हमर एते ई कुन कह छी जे जते हमें बैठ छी मतलब ग्रिंकर्स हॉस्पिटल में या जे एक बेर ओथो तक ले त्या चेकअप करी ले तोर लागी हमें बहुत प्रयास कर छिन तोर सर लागी जे तोरे सर लागी हमें सेवा दिए लेना ये नहीं सेते करा जे कि कतना के विश्वास लाग छु इटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में एला छै कतना के विश्वास छु विश्वास तो पूरा विश्वास ये छी जरूरी हेती इने तौनी ये ते ई स्वास्थ्य मतलब ई में यानल की निःशुल्क में शिविर जे कि इटा निःशुल्क जे आंदेल को निःशुल्क शिविर जे कि थारू के आवाज एक आयोजक टीम छिकु जे कि आर मिली जुली के आनल टीम छी इना इना टीम के कुन कहे चाह छी इना संस्था सब के निःशुल्क करी देल को तोर छिन के लगिन इना टीम के कुन कहे चाह छी इना टीम के हमरा सब तो आओ हमरा सब तो कुन करे चाह छी ना वृद्ध है नी मतलब तोरा सो युवा सो से चला बढ़िया तरीका से ओकर से उठा के लागे हमें धन्यवाद दे छिन बहुत बढ़िया बात छी कि आरो आरो सब हमर से जनता मतलब इटा में राहत पावे बनिया बहुत बात बहुत खुशी लागला खुशी की बात छे के बातचीत कर दिले इटक लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछु। देखि हमर संगे अखने एक जना बिरामी कैतुलाल चौधरी हमर संगे बातचीत जोड़ी रहल छली ये अपन समस्या दिल की एकदम इटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के बारे में एकदम बढ़िया बढ़िया सुझाव दिल की इटा कहमनी अखन कर लगिन हमें कार्यक्रम में लेबे चाहछु इटा कार्यक्रम के छुम्मा व्यापारिक विश्राम
कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फेन से स्वागत करे चाहूँ तुरिसियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में अखने तो सिंह देखी रहा छे विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से देश भर हमर सिंह के एरिना टेलीविजन आ हमर सिंह के संसार भर लाइव देखे लगना तोर सिंह www.erinatelevision.com.np लगन करके तोर सिंह संसार भर हमर सिंह के सबेना कार्यक्रम एक साथ देखे सकते अखने तोर सिंह देखी रहा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दे रहा छुन हमें तुरिसियान के संग हमें नीरज खवास आर अखने कैमरा दिशन साथ दे रहा छी हमारा विनय जी देखिए आज हमें उपस्थित छुन आज पब्लिक उच्च मावि के प्रांगण में जी एतरा रहनी स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हावी रहा छी जी आयोजक टीम में रहा छी थारू के आवाज आर ओनकरी के सहयोगी संस्था सब रहा छी कला प्रतिष्ठान विराटनगर आर ओनकरी के वी मूवमेंट टीम काठमांडू के सहयोग में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हावी रहा छी ओनकरी के ग्रीन क्रॉस हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन वकर अहमद एतरा उपचार के क्रम में छी जी उपचार करी रहा छी एथन करा रहल ग्राम थान के कमनी मानुष सम के बिरामी सम के चेकअप करी रहा छी अखन करा क्रम में फेन से हमें आरेक जना के हमें एक कार्यक्रम में बातचीत जोड़े चाह छुन जे कि वे कोई नहीं हावी के एक थारू कलाकार भी हावी के जे कि आरो ओनकरी के थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के अध्यक्ष हमर संगे अखने छी जे कि वे कोई नहीं हावी के देवकृष्ण विश्वास छी कि हमें एक कार्यक्रम में ओकरा स्वागत करे चाह छिन देवकृष्ण विश्वास जी स्वागत छु कार्यक्रम में ए नमस्ते धन्यवाद किन ठीके छे किन अखने स्वास्थ्य शिविर में देखि रहल छु किन आबि रहल छी त निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बढ़िया भए रहल छे जहिन सोचल रहन ओकरो से बढ़िया भए रहल छे अखने हमर से के मेन उद्देश्य रहे एकटा सोशल काम करे के सोशल वर्क के लागि आ जिने हमर से संस्था हिले एटा में हेल्प करे वाला ओकर से हम धन्यवाद भी दिए छिन जिने के हमर से के अमृत चौधरी भने हमर एकटा साथी वी मूवमेंट तोरा से के काठमांडू से वे औषधि ओहो पठल छे तहने करके हमर सके संस्था हिले थारू कला प्रतिष्ठान और इन्हें थारू के आवाज़ के होल टीम के हम धन्यवाद भी दिए चाहिन इटा कार्यक्रम के लागे कौन कुछ ओकर से बहुत चीज़ व्यवस्थित कह दिल के व्यवस्था मिला दिल के और आगामी दिन में भी इन्हें इन्हें कार्यक्रम सो करे के और अभी योजना सो छे प्लानिंग सो छे विस्तार करे पड़ते थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के एक अध्यक्ष थे इटा संस्था किने खलक संस्था छी भविष्य में कुन करेगे विचार छी इटा संस्था से थारू कला प्रतिष्ठान एकटा हमो अपने कलाकार हावे के कारण से आओ अपन से थारू समाज में एकटा कलाकार के जिन्हें के एग्जाम्पल के लागी तुही हेला एक बीजे ने हमें हिने एक गायक बने करे के एक्टर एक्ट्रेस सौ सिंगर कंपोजर डायरेक्टर सौ आर बहुते बहुते सौ एतकरा कला क्षेत्र में आबद्ध हेल पर्सनैलिटी सौ छे तर ओकर सके लागी आइडेंटिफाई करे वाला एक कोनो संस्था नहीं छे कंदक से आर आर सौ छे तर ओकर से एक कला के एक बढ़िया तरीका से लाजम एक अजय प्रगति करम कह के ऊ किसिम के कोनो आवाज भी नहीं उठल कोनो एक हेचे ने एक अपन कलाकृति के कहन के जगरना करवे अगाड़ी कहन के बढ़ावे जिन्हें अखने मूवी सब बनी रहा है तर स्तरीय मूवी सब नहीं है और मूवी ना से समाज में कुछ देन देना चाहिए अखने अपन से आगे खाली गोली बंदूक इधर उधर खाली लव स्टोरी इमहर क्या एकदम नहीं चलते समाज बहुत पिछड़ल है तो उटा कारण से हमें सोचने जे थारू कला प्रतिष्ठान एक संस्था हमारे से कंपनी खोल छे आर भी एत जे सब इसब में आबद्ध हावे चाहे ओकर से हम वेलकम भी करे चाहिन हमर से आके संस्था में या इटा के अगाड़ी बढ़ावम आ जिन्हें कि इटा के उद्देश्य सब बहुत ही राखल छिन फर्स्ट नंबर में तो तोरा जाके भेलो हमर से सिंगिंग आइडल थारू सिंगिंग आइडल हमर से बहुत जल्दी यार बीच में उठा के अगाड़ी बढ़ावे के क्रम में छिन ओने के तोरा जाके मिस थारू मिस्टर थारू हेलो एहन एहन सब कार्यक्रम करे मन एहन डांसिंग कम्पिटिशन कविता पोएट्री लिटरेचर सब के बारे में कतना कतना एहन एहन सब आदमी अपन से गाँव समाज में लुकल छे ओकर से आगे एक स्टेज एक प्लेटफॉर्म नहीं हावी के कारण से कौन कुछ समस्या भए रहल छे अपन कौन कुछ कला प्रस्तुत करे नहीं सक तो उनक लागी हमर से एक प्लेटफॉर्म एक दम थारू में जे कला सब से उनक अगड़ी बढ़ावम कह के इटा खास में हमर से करने से इटा थारू कला प्रतिष्ठान के
एस्टैब्लिश करनेस एस्टैब्लिश के क्रम में छे आउ इटा के हमर से आगे बढ़ावे तो एक साथ साथ हमर से के सोशल वर्क भी करे मन काम कि आउ सोशल अपने अपन से के उमे एकदम पिछड़े छे जनेंगे अखने यहाँ तोर से देखी रहल छस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर इटा में बहुत ही स्क्रीनिंग इटा इटा स्क्रीनिंग कैम्प छे हालांकि हमर से पूरे उपचार तो दिए नहीं सकुए थे डायग्नोसिस भी करे लगने अप्ठारो छे एक कुन से विजिट में तो कमती में जिन ब्लड प्रेसर वाला सब हेले या आर आर अन्य बिरामी सब हेले इसो में आजुकना ओकर से इतनो था पेलके जने हमरा तो प्रेशर के बिरामी छे तो ओकर लागि तो ओकर से त एकटा प्रिवेंशन त लेते तो उटा कहि के इटा एहन कार्यक्रम हेलो ओहने करि के थारू समाज के एकटा अगाडी बढ़ावे लगनी तोरा जाके लोक सेवा के आर आर पहाड़ी जिला सब में देखवा त लोक सेवा के क्लास सब हरेक संस्था सब एकटा फ्री में क्लास सब चला रहल अछि तो हमरो से सोचने काम ने बरु दू तीन टा जने थारू के आवाज हेले हमर सके थारू कला प्रतिष्ठान हेले तकर बाद आर आर छे ओना सौरा संस्था मिली के एकटा कोन कसे लोकसभा में आगे अगाड़ी बढ़ावम थारू अपन सके आदिवासी जनजाति सब अगाड़ी के रैंक के बढ़ावे ताकि अपन जागीर खेते तकर बाद ने कोन कसे अपना एस्टैब्लिश हेते तो एहन एहन कार्यक्रम सब आर बहुते छे विस्तारे सब कोनो देखिए अखने इटा से आगू ते कल छले इना थारू कला प्रतिष्ठान एकटा प्लेटफॉर्म निकाली के मिस थारू मिस थारनी जेकि सिंगिंग आइडल डांस आइडल इना करे के सोच बनल अछि इटा थारू कला प्रतिष्ठान इटा अपन सी के समाज के लागि इटा संभव छै एकदमे संभव छै हमरा नै लागछे जे कोई भी अपन घर में बाथरूम सिंगर कछे नि शहरक आदमी के गीत संगीत प्रति एकदम रुचि रछे कतना आदमी एकदम ओवर टैलेंटेड भी रहे तर हिडेन रहे हमरे सिया हमरे एग्जाम्पल लेब हमें एकटा सिंगर छिके गीत कर छन अखन तक से हमें बड़का एकटा नेशनल लेवल में पुगे नहीं सकल छन तो प्लेटफॉर्म नहीं हावी के जने अब हमरा संगीत सीखे पड़े आओ थारू के बच्चा खेतीपाती करे वाला बाप में ने तो तोरा जाके आओ कहीं के पेवा तो हमें कहे यदि नहीं हम एक क्लास ज्वाइन करबे तो क्लास करे लगने आ पैसा नहीं रहतो अपन से लगत तो ते कॉलेज लेवल से पढ़वा तो ते कौन कसे ट्यूशन फी तिरवा कि ये तेरा कौन कसे संगीतालय में तिरवा तो उटा समस्या छे तो उटा समस्या के हल करे लागि हमर सिया इटा से क्लास भी संचालन करे पेवे जने डांस क्लास हेलो संगीत क्लास हेलो इना हरेक चीज के संचालन करे लागि हमर सिया नेपाल सरकार से स्वीकृति भी ले लेलो छन आ इटा के अगाडि बढ़ावे पड़ते एकदमे संभव छे यदि दोसर सब मिस नेवार करे सकसे मिस नेवा करे सकसे मिस राय करे सकसे मिस्टर राय करे सकसे तो ते हमें मिस थारू काम नहीं करे सकबे एकदमे एक रति इटा में अपन से के खटे पड़ते सब के साथ सहयोग चाहिए खाली हमें असकर क्या नहीं हेतर गोटे थारू समाज के भी इटा के लागी बुझे पड़े वह से हम कसन जे सब इसो में जे सब इंटरेस्टेड छे बौद्धिक वर्ग सब जे नहीं कुन कसे थारू कला प्रतिष्ठान थारू के आवाज हेले इस यदि अगड़े बढ़े चाहि रहल से एक से आके खुटा नहीं तानम खुटा नहीं तानी के बरू ओकर से आके कहीं के अगड़ी बढ़ावे पड़ से कहीं के साथ सहयोग कहीं के करे पड़ से ओना चीज के लागी मतलब सब वही के हेल्प चाहिए हमरा तकर बादे इटा काम सक्सेस हेते कतने आदमी तो कहबो करल के जे इना मतलब बड़का बड़का गप सोच लेला छुमया से स्टार्ट कर तो जो हमर से कौन कसे आओ थाली लेन है तो चाहे जिरंग के हवे इटा के सक्सेस करे के उमे छेन सक्सेस करे पड़ते उटा में तोरसा के मीडिया कर्मी सब हेलो तकर बाद पत्रकारिता क्षेत्र के सब से सब का के साथ सहयोग चाहिए अवश्य भी साथ तो हेबे करती नहीं जे कि एक कलाकार नाता से गायक के नात अपने गायक में चिन्ह लै जेकि अखने इटा थारू कला प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी अखने इटा में देखी रहल छी स्वास्थ्य शिविर में कला से एक चोटी स्वास्थ्य शिविर दिशन किनेंगे हाँ एक्चुअली हमें एक हेल्थ वर्करो छन गवर्नमेंट जॉब भी छे हमरा हमें हेल्थ पोस्ट इंचार्ज सिरा में अखने आबद्ध पोस्टिंग उठे छे हमर तो हमें पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट हावे के कारण से आर हमरा इंटरनली एकदम समाज सेवा में एक हेल्थ अपन से थारू समाज में हेल्थ लेवल के कहीं के प्रमोट करवा प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस कहीं के देवा उना में हमरा एकदम रुचि छे तो उना के लागी
हमें बहुते आरा आरा कार्यक्रम सब करे के विचार में छे तोरा होल बॉडी चेकअप हेलो होल बॉडी चेकअप अपन से आके गाँव समाज में कहीं छे कि अपन से बिरामी पड़वा तो मात्र हॉस्पिटल जाके कौन कछे ऊपर से नहीं चल हॉस्पिटल जेबे जाँच करावे हाँ तर अपन भितरे में कतना कहीं कतना कतना रोग सब एहन रहे जेना तोरा हिडेन रहे तोरा बाहर में नहीं देखो तो भितरी भितरी भै रहा छो एक बेर जो क्रोनिक भै जैसे बेसी भै जैसे तो ये तो ओ कारण से हमें इटा जे शिविर रा जे चालू हेले इटा खास में हम जोर करल रहें जेने एक शिविर करम वी मूवमेंट टीम काठमांडू से थोड़ने औषधि पठा दल रहे तो हमें थारू के आवाज के कहने चाहो एक सौका एकदम सक्रिय से थारू समाज में तो काम नि सौका मिली के एक बढ़िया उनको से शिविर एक संचालन करम तो ऊ कारण से हमारा आपनो ईसों में रुचि आवे के कारण से आपनो हम हेल्थ वर्कर छे उ लेल से मतलब अखने एक शिविर में देखी रहा है इधर थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर कया स्थापना है इटा स्थापना हाल साल है कहे पड़ल भर्खरे हमारे से दर्ता क्या के काठमांडू से तोरा सौरा डॉक्यूमेंट चल से इटा नेक्स्ट मीटिंग विद इन ग्यारह वन वीक भित्रे में हमर से कौन कस एक मीटिंग रखबे तक तो आगामी आर जेना हमारे से प्लानिंग करल छा प्लानिंग के इम्प्लीमेंट करबे आओ इटा अखन तक इटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कितना जना नाम टिप लगेली कितना जना चेकअप कर लगेली अखने तक में 150 क्रॉस भै गए हमारे अनुमान से हम तो भितरियों से नहीं एक्जैक्ट हमारा डाटा नहीं था हेलो तर तखन ना तोरा जाके 150 प्लस बिरामी सौ के नाम दर्ता भै गल रहे एत करीब करीब कहें 50% जति चाहे चेकअप भै गल से औषधि भी वितरण भै रहा से देखी रहा से इटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपने जी के थारू समाज मात्र एल कि आरो समाज भी एल नहीं नहीं आरो समाज एल आओ टारगेट मतलब इटा जे अपन से लोकैलिटी से कम्युनिटी से उठा के टारगेट कर लगे से तो मैक्सिमम विशेष तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो तोरा थारुए के बहुलता से तर हमें तखनो ना देखने ब्लड प्रेशर लिए बखत तोरा जाके राय लिंबू सब भी एल आर आर अन्य जात सब भी एल तो इटा के लगे कोनो नहीं से कोई भी ले सकता इटा में सेवा सुविधा तो कोई भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपन से समाज ना के व्यक्ति सम कह हमने इना चेकअप करे खाना कितना खुला रूप से हमरा इन हेले से उन हेले से लजा के कह चुकी खुला रूप में कह दे ओ अपन से आके किने से कि एक तो कम्युनिटी है एक तो थारू सब बेसी लजमंत्यार से था ने तो कौन कसे कतना छन तो फ्रैंक फ्रैंकली भी कसे जे नहीं हमरा एहन एहन से आओ कतना छन तो कसान छुपबो करतो तो हमें एटा मैसेज दिए चाहन जे छुपा के आजकल नहीं है छुपा के झन रोग बढ़तो तो छुपाना नहीं चाहिए जे अपन समस्या छो डॉक्टर लगत एमडी फिजिशियन लगत तोरा हरेक चीज खुलस तो कहे पड़ल तकर बादे कोनो भी चीज के ट्रीटमेंट है डॉक्टरों बुझे पे तो तोड़ दे के तौ नहीं तैं कौन कसे तोरा बढ़िया इलाज करतो तैं कहबे नहीं करवा तो लगे तो समस्या छे बुझे लगनी तो ठीक है ठीक से मोतने तहिन एकदम लाजो मानी के उ नहीं कह रहा छे तहिन लाजे माने वाला बिरामियों सब तो उतना बेसी नहीं एल छे उना में मतलब लाज माने वाला जिन्हें पाठ्यघर के संबंधी तोरा रिलेटेड हेलो पाठ्यघर में जिन्हें यूट्राइन प्रोलैप्स सौ हेलो नहीं पाठेघर आंग झरने समस्या सौ इना समस्या यदि हेलो तो लेडीज सौ प्राय से आगे भित्री भित्री भै रहा है तर से नहीं कहतो तो उना उन्हें उठा के लगे बरू छुट्टे एक ओहनो कैंप सब चलावे सकसन पास उठा के लगे छुट्टे कैंप चलबे तो उठा में तो लजावे के बाते नहीं है समस्या पड़ल रहते सौरा वहन खाले बिरामी आ उठा तखने तोरा जाके जेनरली सौ कुनू सौ कुनू के लगे है तो उतना ओहन समस्या नहीं है ठीक ठीक है शिविर में कितना उमेर उमेर किन खलक उमेर के आदमी सब आबि रहलो बेसी तोरा एज्ड पीपल सब आबि रहलो छो मैच्योर पीपल कहवा तो यो हेतो जने 20-25 प्लस से लैके तोरा वृद्धा सब भी आबि रहलो छे बच्चा सब एक दिन मात्रे देखने सौरा एडल्टे सब छे प्राय बेसी कुन बिरामी लागल बिरामी सब मिलल छो बिरामी एते अखन तक में हमर देखल प्रेशर के बिरामी प्रेशर के बिरामी हेलो तकर बाद हल्का फुल्का इन्फेक्शन सब फ्लू टाइप के चेस्ट इन्फेक्शन निमोनिया टाइप के ये सब बिरामी मात्र से एक दीरा चाहे स्किन रिलेटेड डिजीज सब स्किन के प्रॉब्लम सब भी एलो और ठीक है ने आगामी सोच थारू कला प्रतिष्ठान के कुन छे
आगामी हमर सिया के फर्स्ट टारगेट छो तोरा जाके सिंगिंग आइडल थारू सिंगिंग आइडल आर हम जितना दर्शक सभी अखने देखी रहल छे ओकर सके हमें रेडी बी रेडी यो कहे सकसन जे सो सिंगिंग में मतलब इंटरेस्टेड छे त ओकर से तोर से प्रिपेयर भक रह हमर सिया यो गांव टोल में तकर बाद कुन कसे हमर सिया मेटा एकदम बढ़िया पुरस्कृत भी बढ़िया करबे जने चली आबि रहल छे ओ किसिम के एकटा सिंगिंग आइडल हेलो तकर बाद दोसर हेलो हमर सिया अवार्ड कार्यक्रम भी करे मन छे जने जतने अखनी सिने कर्मी सब छे कलाकार सब छे ओकर सके लगे सम्मान कार्यक्रम प्लस अवार्ड कार्यक्रम एकटा उठा के छे तकर बाद इमहर हेल्थ दिसर कबा त इमहर सोशल वर्क दिसर तोरा जाके फ्री कुन कछ होल बॉडी चेकअप होल बॉडी चेकअप से एकदम इम्पोर्टेंट साथी सब से गप करने तो एकदम बढ़िया नहीं इटा करम सब कह काम कि हम तू ही बढ़िया से होल बॉडी चेकअप तो नहीं कर सी तो उठा के लगे कुन कछ मेन वो छो योजना देखिए इटा थारू आइडल सब से पैना आने तक छे थारू आइडल में अपने से के थारू समाज मात्र रहते कि आरो समाज भी इटा में ऑडिशन देवे पे थी नहीं इटा में हमर सिया अखने आओ इटा कमिटी में बैठक बैठी के इटा गप के विस्तृत छलफल करे पड़ते ने तर हमर सिया के प्लानिंग चाहिए छले एकटा थारुए समाज से काम नहीं निकालम आर 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 तो जिने आओ नेपाल आइडल हेले आर 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 में तो जेबे कर छे तोरा जाके आर आर सब क्या रहल छे अखने ने तो एकटा थारू थारू के बच्चा सब के लागि स्पेशली थारुओ सब एकटा लेवल में पुगोस कह के थारुए सब के मेन टारगेट करल छे आ इहोर गप के विस्तृत छलफल कह के तकर बाद इटा के फाइनलाइज हेतै अंतिम में एटा कार्यक्रम हमर समाज के बारे में कुन कहे जा छे हमर समाज एकदम बढ़िया कार्यक्रम छे के अपन से के थारू समाज में ई बक कार्यक्रम एकदम चाही हमर से के कुन क से ई इनिंग सब कार्यक्रम यदि नहीं चलते तो समाज के विकास कहीं के हेते समाज के एकटा दृष्टि कबात एकटा समाज में आंख देखा वाला तोरा जाके मीडिया है मीडिया कर्मी है तो इटा इटा चैनल के इटा तोरा जाके इटा कार्यक्रम के इटा के एकदम बढ़िया से आर इंजावम बढ़िया बनावम ने बढ़िया बनाव इटा में आर आर चीज सब इंक्लूड क्या के जिन्हें हमर से आर आर जेना क्या रहल छेन इना के आर चैनलों थ्रू से आर कजान हमरो से के कजान प्रोत्साहन होस ने तो इना के तुर जाके हमरो से के हेल्प करे पड़लो आर इटा कार्यक्रम के लागे एकदम शुभकामना दिए जा सुन तोरा जे एटा कार्यक्रम चलल है बहुत बढ़िया कार्यक्रम छे हमर से तो चैनले चाही कार्यक्रम में चाही काम के कार्यक्रम नहीं भेला के बाद में अपन से के थारुओ समाज के जेना गीत संगीत छे ओना देखावे वाला ठाव कते तो या थारुए चैनल सब छे तो इटा के लागे हमें फेनु भी शुभकामना दिए चाहन आर इटा ओके बढ़िया से फलावम फलावम बढ़िया से करम कहे चाहन बातचीत कर दिले इटा के लागि बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन अखने हमर संगे बातचीत करी रहल छली थारू समाज के एक वरिष्ठ गायक देवकृष्ण विश्वास आर ओहन करी कि थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के अध्यक्ष भी रहल छी वह हमर संगे बातचीत कर दिल्कि ओकरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक आर ओहन करी के पूर्ण प्रसारण सोमदिना दिन 3 बजे से 4 बजे तक बितोरछिन देखे सके इटा कार्यक्रम हमर समाज साथ दिया रहा हमें तोरेसियान के संग हमें नीरज खवास ओहन करी के कैमरा दिशन साथ दिया रहा छी हमरा विनय जी कार्यक्रम में हमें फिर से एक छुम्मा व्यापारिक विश्राम लेवे चाहन
कार्यक्रम के अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरेसियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छू हमें तोरेसियान के संग हमें नीरज खवास ओने करी हमारा कैमरा दिशन साथ दे रहा छी विनय जी जे कि आज तोरसिन देखी रहा इटा कार्यक्रम में पब्लिक उच्च मावी के प्रांगण में छुन आज ये कमनी आयोजक टीम रह थारू के आवाज आर ओने करी के सहयोगी टीम में रहा थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर आर ओने करी के वी मूवमेंट टीम काठमांडू के सहयोग में ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हावी रही ओने करी के ग्रीन क्रस हॉस्पिटल विराटनगर भी ये सहयोग करी रही देखिए ग्रीन क्रस हॉस्पिटल विराटनगर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर वकर अहमद आज हमार संगे कार्यक्रम के अंतिम अंतिम दिशा हम वकर संगे बातचीत जोड़े चाहूँ डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार धन्यवाद यू एरिना टीवी यो जनचेतना मूलक कार्यक्रम ल्याउनु भयो किनभने हामी सिटीमा बसेर त काम गर्छौँ होइन सहरमा त बसेर काम गर्छौँ तर गाउँतिर आउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अनि यस्तो क्याम्पहरूको माध्यमबाट हामी गाउँमा आएर मान्छेहरूलाई सुविधा दिन्छ धेरै खुसी लाग्यो धेरै राम्रो राम्रो बिरामी भेट्यो कस्तो हेर्नुभयो यो सहरी र गाउँले बिरामी जाँचमा अलिकति गाउँ सहरमा हेर्दाखेरि हामीलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ सजिलो कस्तो हुन्छ सबै सुविधा हुन्छ जाँच साँचको अनि यहाँनिर अलिकति कम सुविधा हुन्छ अनि त्यस्तोमा हेर्दाखेरि अलि नौलो किसिमको लाग्छ होइन अब बस्ने परिवेश पनि त्यति राम्रो हुँदैन बिरामी होइन अब जुन हिसाबमा हामीले जुन ठाउँमा बसेर काम गर्छौँ त्यो किसिमको प्रवेश हुँदैन तर यस्तो ठाउँमा आएर काम गर्दा अलिकति राम्रै लाग्छ बिरामीहरूको समस्या एकदम नेचुरल किसिमले बन्छ अनि त्यो त्यो समस्यामा ऊ गर्दा राम्रै लाग्छ आज कतिपय धेरै सिरियस सिरियस पेसेन्ट पनि थियो अलि भर्खर मैले एकजनाको धेरै खुट्टामा छ सात महिनादेखि घाउ छ निकै ठुलो घाउ छ अनि उहाँलाई पैसा नभएर अब जान हस्पिटल जान सकिरहेको छैन आज हाम्रो क्याम्प माध्यमबाट तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यो त्यस्तो बिरामीले पनि सुविधा पायो नि त्यो धेरै ठुलो कुरा हो त्यस्तै हामीले थुप्रै पेसेन्ट पायौँ कति हाई प्रेसर थियो अनि त्यो प्रेसर उपचार गर्न सक्ने क्षमता थिएन तर आज यो कार्यक्रम माध्यमबाट तिनीहरूले सुविधा पायो के कस्तो बिरामी पुरै सिरियस बिरामी पनि पैसा भनौँ न पैसै नभएर हस्पिटल पुग्न नसकेको त हो अघि मैले खुट्टा देखेको त्यो निकै सिरियस हो खुट्टा पुरै सुन्निएको थियो घाउ थियो एकदम गनाउने मतलब यति गनाइरहेको थियो त्यो रुममा बस्न नसक्ने अवस्था थियो त्यो घाउ तर बिचारासँग पैसा थिएन तर आज जुन क्याम्प गर्नुभयो नि तपाईँहरूले त्यो क्याम्प माध्यमबाट उहाँहरूले औषधि पाउनुभयो अनि हामी पनि श्री हस्पिटल ग्रिन क्रस हस्पिटलले उनीहरूलाई के गर्नेछ भन्दाखेरि सक्दो बेडमा पनि सुविधा दिनेछौँ होइन जति सकिन्छ बेडमा बेड चार्जमा डिस्काउन्ट टेस्टहरूमा एक्सरेमा ल्याबमा सबै कुरामा हामी चाहिँ छुट दिनेछौँ यहाँ त निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भनेर राखेको छ नि अब ग्रिन क्रसमा के छ यहाँको बिरामी अब रेफर गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ लगेर कस्तो खालको सुविधा पाउँछ कस्तो छ भन्दाखेरि निःशुल्क भन्दाखेरि अहिले हामी आफ्नो चार्ज लिइरहेको छैन हाम्रो टिमले पुरै फ्रीमा सेवा दिइरहेको छ सक्दो जति औषधि छ हामी फ्रीमा दिइरहेछौँ हामीले ब्लड सुगर टेस्ट फ्रीमा गऱ्यौँ अब हस्पिटलमा आएपछि केही मात्रामा उहाँहरूलाई जति सक्दो डिस्काउन्ट हुन्छ हामीबाट हामी टिममा छलफल गर्छौँ अनि 20-25% डिस्काउन्ट गरेर तिनीहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ आज यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा कस्तो खालको बिरामी पाउनु हुँदैछ अहिलेसम्म अब सबै भेराइटी केसेस आउँछ होइन जस्तो प्रेसरको मैले देखेँ प्यारालाइसिसको देखेँ डायबिटिजको देखेँ त्यसपछि जोड्नी दुख्नेको थुप्रै बिरामी देखेँ त्यति त्यसपछि आइमाहरूको समस्याहरू पाठेघरको इन्फेक्सनहरूको केसेसहरू भेटेँ बच्चाहरूको केसेस आयो त्यसो मोटामोटी सबै किसिमको जुन एउटा समाजमा हुनुपर्ने धेरै किसिमको केसेस सबै आयो तर कतिपय दुःखलाग्दो कुरा के कतिजना धेरै ढिलो मतलब पैसा नभएर सायद तिनीहरू सुविधा नपाएको हो कि यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरले आज यहाँ कति बजीसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर राख्दैछ यहाँ आउने बिरामी जबसम्म आइरहन्छ हामी यहीँ बसेर हाम्रो टिमले सहयोग गर्नेछ जबसम्म बिरामी आउँछ हामी हेर्छौँ अब बेलुका 5 बजे 6 बजेसम्म जतिसम्म बिरामी आउँछ हामी हेर्छौँ यसको मतलब बिरामी आउँदै जाँदा तपाईँहरूले चेकअप गरिदिनुहुन्छ जतिजना आयो भने राति 12 बजेसम्म बस्नु पऱ्यो भने बस्छौँ तर बिरामी सकाएर जान्छु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई डक्टर तपाईँ वरिष्ठ फिजिसियन यो फिजिसियनमा कस्ता कस्ता रोगहरूलाई तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ फिजिसियनले के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फिजिसियन भन्ने एउटा जर्नल स्पेसलिस्ट हो
टाउको को देखि लिएर खुट्टा सम्मको धेरै जसो जसो ब्रेन को रोग हामी हेर्छौं, मुटु हेर्छौं, फोक्सो हेर्छौं, डायबिटीज हेर्छौं, थायराइड हेर्छौं, कलेजो सम्बन्धी रोग हेर्छौं हैन, त्यसै गरेर किडनी लाई हेर्छौं, त फिजिशियन ले ओभरअल एउटा हाँ जति इन्टर्नल पार्ट्स हुन्छ नि बॉडी को जुन जुन मेन मुखमुख अंग हुन्छ नि तिनीहरुको स्पेशलिस्ट भएको हुनाले हामी मोटामोटी सबैसँग रिलेटेड जस्तो डायबिटीज भयो, प्रेसर भयो, तपाईको बाथ रोगहरु भयो, मुटुको सम्बन्धी समस्याहरु हेर्ने गर्छौं। अब अपरेशन गर्नु पर्यो भने हाम्रो साथीहरुलाई हामी रिफर गर्दिन्छौं, अपरेशन बाहेक मोटामोटी सबै चीज हामी हेर्ने गर्छौं। अन्तिममा तपाई डाक्टर हुनु भएको नाताले बिरामीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो भनाइ के छ भने म भनाइ पनि छ, मेरो विश्वास पनि के छ भन्दाखेरि हामी म रोगको रोकथाममा बढी विश्वास गर्छु, जस्तो रोग नलागोस् सक्दो त्यसको लागि हाम्रो श्रोताहरूले मलाई देख्ने मान्छेहरूले के गर्नुपर्छ, तपाईँले खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ, नियमित उचित मात्रामा खानपिन गर्नु पर्यो, उचित मात्रामा सबै चिजको चुरोट खानु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, खैनी खानु हुँदैन, नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो, यो सब चाहिँ रोग कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा नलाग्न दिने कारण मतलब ऊ गर्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ यो सबैबाट। अहिले यो समाजमा यस्तो पनि देखिरहेछ नि, जसले केही सुर्तिजन्य पेय पदार्थहरू जसले सेवन गर्दैनन् उनीहरू नै लास्टमा गएर भनौँ न उनीहरूको मृत्यु हुन्छ नि, किन यो किन यस्तो? सुन्नुहोस् न कस्तो छ भन्दाखेरि अपवादको रूपमा कुनै लिनुभयो भने बेग्लै कुरा हो, तर जस्तो चुरोट खाने समयमा मतलब 90% 90% लङ क्यान्सर छात मतलब फुक्सोको जुन क्यान्सर छ नि त्यो चाहिँ चुरोट खाने मान्छेहरूमा आउँछ। अब 10%लाई हुनसक्छ चुरोट नखाने मान्छेहरू, तर तिनीहरूको संख्या कम छ। अब रक्सी खाने मान्छेको कलेजो बढी बिग्रिन्छ, त कुनै कुनै रक्सी नखाने मान्छेहरूको अब हेपेटाइटिस लागेर या अरू कुनै रोग लागेर उसलाई हुनसक्छ, नहुने होइन। अब धेरै जस्तो मोटो मान्छेमा डायबिटिज हुने सम्भावना छ, तर दुब्लो मान्छेमा पनि हुनसक्छ, तर सम्भावना चाहिँ बढी शारीरिक क्रियाकलाप कम भएको मान्छेहरू मोटो मान्छेहरूमा डायबिटिज हुने सम्भावना बढी छ। डाक्टर साहब हजुर, अहिले यो समयमा भनौँ न तपाईँ फिजिसियनको नाताले हजुर हाम्रो अहिले भनौँ न बिरामीहरू प्रायः अहिले प्रेसर र डायबिटिजमा धेरै ग्रसित भएका छन्, हजुर हजुर, यसको बारेमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न। कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा अहिले यो चेन्जको बेला परिरहेको छ होइन, पहिला हाम्रो बुवामा खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन, किसानी बढी गर्नुहुन्थ्यो, बढी मिहिनेत गर्नुहुन्थ्यो, अहिले हामी अलिकति सुविधा पाइरहेको छौँ, सुविधा पाउँदाखेरि के भएर छ सुविधामा हुने बढी रोग, जस्तो पहिलाको तुलनामा हामी बढी खाना खान्छौँ होइन, बढी मोटो भइरहेछौँ, यसले गर्दा अहिले हामीमा बढी मात्रामा डायबिटिज ब्लड प्रेसर जस्तो रोग देखा परिरहेछ। अब डायबिटिज भन्ने दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज हुन्छ जुन चाहिँ बच्चाहरूमा हुने हो, 20 वर्षको मुनि मान्छेहरूमा हुने, यसमा के हुन्छ शरीरले इन्सुलिन भन्ने एउटा पदार्थ हुन्छ, एउटा हार्मोन हुन्छ, त्यसले बनाउन सक्दैन, अनि इन्सुलिन नभएको हुनाले त्यस्तो बिरामीहरूलाई बाँच्नलाई नै इन्सुलिन चाहिन्छ। अब यहाँनिर म एउटा इम्पोर्टेन्ट एकदम अति नै महत्त्वपूर्ण मेसेज के दिन चाहन्छु, हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि इन्सुलिन भन्ने एउटा औषधि हो, त्यो एकदम जरुरी औषधि छ, अनि त्यो औषधि को बारेमा हामी चाहिँ लेख्छौँ, घर गएर मान्छेहरूलाई छुटाइदिन्छ, अरू छरछिमेकीहरूलाई धेरै सल्लाह दिन्छ, अनि सल्लाह दिने को हुन्छ होइन, मान्छेहरू जसलाई डायबिटिजको या मधुमेहको बारेमा अलिकति पनि थाहा भएको तिनीहरूलाई राम्रोसित त्यो डायबिटिज शब्द पनि लेख्न नसक्दैन, त्यस्तो मान्छेहरूले सल्लाह दिन्छ तपाईँ यो औषधि नखानुहोस्, तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, अनि यसले गर्दा के हुन्छ त्यो मेरो बिरामीहरू जटिलतामा पर्छ, जटिलता भन्ने जस्तो अन्धोपन, किडनी बिग्रिने, मुटु बिग्रिने, त्यस्तो किसिमको समस्यामा तिनीहरू पर्छ के, अनि यो गर्दाखेरि के हुन्छ जुन मान्छेहरूको एक वर्ष सपोज एक वर्ष नर्मल डायबिटिजको उपचारमा 5,000-7,000 रुपियाँ लाग्ला, तर त्यही किडनी बिग्रियो भने एक महिनामा 1,00,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, 50,000 खर्च हुन्छ, अब त्यो पैसा चाहिँ हामी कतिजना नेपालीले बियर गर्न सक्छौँ होइन, कतिजनाले सक्दैन, त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ रोग लाग्यो भने तपाईँ विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोस्, अनि विशेषज्ञ कहाँ गयो भने के हुन्छ उहाँले तपाईँलाई राम्रो सल्लाह दिन्छ, तपाईँको किडनी बिग्रिन, तपाईँको मुटु बिग्रिन भन्दा जोगाउन हेल्प गर्छन्। त्यसै टाइप 2 डायबिटिज जुन छ नि त्यो चाहिँ अहिले महामारीको रूपमा प्रत्येक घर घरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने डायबिटिज छ भने त्यो टाइप 2 डायबिटिज हो। त्यसमा के हुन्छ सुरुवातमा हामी ट्याब्लेट दिन्छौँ, ट्याब्लेटले काम गर्छ, पछि गएर ट्याब्लेटले काम गर्न छोडेपछि इन्सुलिन भन्ने औषधि हामी दिन्छौँ, तर इन्सुलिन भन्ने अन्तिम अवस्थाको औषधि होइन, इन्सुलिन भन्ने एउटा राम्रो ट्याब्लेट हो, राम्रो औषधि हो, ट्याब्लेटमा त आउँदैन,
इन्जेक्सन में हुन्छ इन्जेक्सन हो एकदम राम्रो इन्जेक्सन हो जिसको धेरै राम्रो हो त्यो टेप इन्सुलिन भन्नुभयो नि यो इन्सुलिन इन्जेक्सन में हुन्छ हजुर यो हाम्रो अङ्गको कुन भागमा इन्जेक्सन हाल्ने हो त्यो कस्तो छ इन्सुलिन को इन्जेक्सन हामी शरीरमा जस्तो पेट भयो तिग्रा भयो त्यस्तो ठाउँमा हामी लगाउन सक्छौँ मासु छ त्यहाँ मासु भन्दा जहाँ चाहिँ चिल्लो पदार्थको मात्रा बढी हुन्छ है त्यस्तो ठाउँमा लगाउने हो अनि त्यो सेफ हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि दुखाइ अहिले त यति राम्रो राम्रो इन्जेक्सन छ यति राम्रो राम्रो डिभाइस छ कि दुख्नु पनि दुख्दैन है मान्छेहरू नदुखिकन इन्जेक्सन लगाउन सकिन्छ त्यति झन्झटिलो पनि हुँदैन तर त्यही हो अलिकति के छ भन्दाखेरि इन्सुलिनको नराम्रो पार्ट जसलाई हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो गर्छ राख्नलाई अलिकति चिसो ठाउँ चाहिन्छ कहिले फ्रिज भयो भने झन् राम्रो भएन भने घरको जुन ठाउँमा घाम लाग्दैन त्यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ यसको मतलब फ्रिज छैन भने जहाँ घाम लाग्दैन त्यहाँ त्यो राख्यो भने सेभ हुन्छ त हजुर हजुर त्यो गाग्रोमा बालुवामा मिसा पानी गानीमा राख्यो भने गर्न सकिन्छ इन्सुलिन डायबिटिज भयो प्रेसर भयो यिनीहरूको उपचार किन जरुरी छ भन्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छ तपाईँको जुन हाम्रो मुखमुख अङ्ग छ नि जस्तो आँखा भयो ब्रेन भयो मुटु भयो त्यसपछि तपाईँको किडनी भयो होइन यस्तो सबैलाई बिगार्ने प्रमुख कारण नै नम्बर एक कारण डायबिटिज नम्बर दुई ब्लड प्रेसर त्यसैले यो दुईवटा रोगलाई हामीले कन्ट्रोल जसरी भए पनि गर्नुपर्छ सुरुवातको उपचार असाध्य सजिलो असाध्य केही गर्नु पर्दैन तर पछि गएर जटिलता भयो भने किडनी फेल भयो भने त कति गाह्रो छ प्रेस प्यारालाइसिस भयो भने होइन एकदमै गाह्रो हुन्छ मान्छे अपङ भएर घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ मुटुको अट्याक हार्ट अट्याक भयो भने 4-5 लाख रुपियाँ यत्तिकै खर्च हुन्छ त्यसैले म सधैँ के भन्न चाहन्छु मान्छेहरूलाई होइन अब हामीलाई आएर मान्छेहरूले के भन्छ हामी गरिब छौँ कसरी उपचार गर्ने त्यतिखेर म के भन्छु तपाईँहरूलाई झन् गरिब मान्छेलाई झन् उपचार गर्नुपर्छ होइन तपाईँ त्यतिखेर एउटा त तपाईँले उपचार गर्नुभयो भने तपाईँलाई जटिलता भएन तपाईँको किडनी बिग्रेन तपाईँको खुट्टा बिग्रेन तपाईँको आँखा बिग्रेन तपाईँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को नर्मल डायबिटिज नर्मल प्रेसरको उपचार गर्न गाह्रो हुनेलाई त जटिलता भएपछि त गर्नै सक्दैन होइन त्यसैले सबैले सक्दो छिटो जुनसुकै समस्या भयो भने छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ अनि त्यतातिर जति छिटो लाग्यो भने त्यति कम खर्च त्यति सजिलोसँग हुन्छ अन्तिममा यो कार्यक्रम एरिना टेलिभिजनबाट एउटा प्लेटफर्म दिएको छ थारू समाजको लागि एउटा कार्यक्रम राखोस् केही गरोस् थारू समाजले यो कार्यक्रमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो जनचेतनामूलक यस्तो यस्तो कार्यक्रम चाहिँ धेरै राम्रो कार्यक्रम हो अझै थारू समाजको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जस्तो उनीहरूको एउटा एजुकेसनप्रति अझै इन्भल्भमेन्ट गराएर होइन शिक्षाप्रति बढी बढ्न पहिलाभन्दा त धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ लास्ट 20-30 इयर्समा होइन धेरै इम्प्रुभमेन्ट भयो अझै उनीहरूलाई हायर एजुकेसन हायर ट्रेनिङतिर गरायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो डाक्टर साहब कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रोसँग यहाँ बातचित गरिरहेको अखने ग्रिन क्रस हस्पिटल के वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अहमदजी हाम्रोसँग बातचित गरिरहेको ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन्छन् तोर्सिनकै एउटा कार्यक्रम किनङ लाग्छु कुन सल्लाह सुझाव छु जन त तोर्सिन सल्लाह सुझाव देवे सक्छ तोर्सिनके एउटा समाजमे आफन सिके एउटा थारू समाजके लागि किनङ खलक कार्यक्रम आवश्यकता छ तोर्सिन अवश्य भी सल्लाह सुझाव देवे सक्छ सल्लाह सुझावके लागि टेलिभिजन स्क्रिनमे नम्बर न दौडिरहेको छु यहाँ नम्बरमे तोर्सिन सम्पर्क गर्न सक्छ र ओइन गरिके हाम्रो सिके लागि एउटा कार्यक्रम के लागि गीत सङ्गीतके लागि एकदमै आवश्यकता छ तोर्सिनके कुनै भी म्युजिक भिडियो छु जन्त तोर्सिन कुनै फिल्मी गीत सम छु जन्त तोर्सिन अवश्य भी यहाँ नम्बरमे सम्पर्क गरिके समावेश गरे सक्छ हामी तोर्सिनके इटा यहाँ गीतमा इटा कार्यक्रम मार्फत बजा देवे गर्बु जेकि हाम्रा अखने क्यामेरा दिशन एक घन्टा तक साथ देलकी विनयजीके भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन्छन् जेकि आज हामी उपस्थित छौँ पब्लिक उच्च माविके प्राङ्गणमे जेकि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर राख्ल छ जेकि आयोजक टिमके थारूके आवाजके बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन्छन् आपन सिके समाजके लागि इनङ इनङ बनिया बनिया काम गर्दै जाओस् भविष्यके लागि इटाके ओकरा शुभकामना देवे चाहन्छन् ओकर सिके थारूके आवाजके होल टिमके आरो इनङ गरिके सहयोगी टिम समके थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगरके भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन्छन् आगामी कार्यक्रममे आगामी दिनमे भी यिनै कार्यक्रम आनिके एउटा समाजके लागि कुछ करोस् कहिके ओकर सिनके कम्नी शुभकामना देवे चाहन्छन् आरो ओहिने गरिके आबिरहल विजयादशमीके तोर्सिन सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी विजयादशमीके बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहन्छौँ आरो ओहिने गरिके दोस्रो हप्ता भेटेके बाचा राख्दै आज हामी एउटा कार्यक्रमसे विदा हेबे चाहन्छौँ दोस्रो हप्ता हामी अवश्य भी एबे गर्बु तब तक के लगिन हामी विदा हेबे चाहन्छौँ देख्दै रहन एरिना टेलिभिजन नमस्कार